अब आज से हमारा एरर शुरू होता है। प्रिसीजन एक्यूरेसी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। असाइनमेंट मैंने दिए थे, असाइनमेंट आपने मोस्टली सारे लगाई लिए हैं। अब इसके बाद देखिए आगे एरर, यहाँ से आगे एरर का थोड़ा सा आइडिया आपको पहले ही मैं दे चुका हूँ कि एरर क्यों आती है। इंस्ट्रूमेंट में कमी हो सकती है, हमारी लापरवाही हो सकती है, रीडिंग करने में केयरलेसनेस हो सकती है, उसकी वजह से भी एरर आती है। ठीक है, तो अब लिखिए इसमें हेडिंग सबसे पहले तो एरर। मेजर्ड वैल्यू और एक ट्रू वैल्यू होती है। ट्रू वैल्यू हमारे पास पहले से होगी तो उसका जो डिफरेंस होता है उसी को हम एरर कहते हैं। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एरर। तो आप लिखेंगे इट इज द डिफरेंस बिटवीन, इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, सो एरर इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, अब देखिए इसमें इसके टाइप्स हैं। फिर टाइप्स जो होते हैं वो दो बेसिस पे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ, आप लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉज ऑफ एरर, यानी एरर का कारण क्या है। एरर्स आर ऑफ टू टाइप्स, मेनली टू टाइप्स होती हैं, मेनली टू टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ कॉज ऑफ एरर, एरर्स आर ऑफ टू टाइप्स, मेनली टू टाइप्स। पहला है सिस्टमैटिक एरर, या फिर इसे हम कहते हैं क्या, रेगुलर एरर। सिस्टमैटिक एरर या फिर रेगुलर एरर। और जो दूसरा टाइप है वो है आपका रैंडम एरर, या इसका नाम है इररेगुलर। ठीक है, सिस्टमैटिक और रेगुलर, और इधर फिर रैंडम या इररेगुलर। तो सिस्टमैटिक एरर और रेगुलर एरर, और रैंडम और इररेगुलर। अब देखिए सिस्टमैटिक एरर या रेगुलर एरर क्या होती है। सिस्टमैटिक या रेगुलर एरर, जैसे नाम से ये सिस्टमैटिक यानी एक सिस्टम है, यानी इस तरह की जो एरर होती हैं वो हमेशा आएंगी और उनका साइन या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या है पहले समझ लो, फिर मैं लिखाऊंगा कि इस तरह की जो एरर होती हैं ये रेगुलर आएंगी आएंगी। जैसे कि एक थर्मोमीटर आप मार्केट से खरीद के लाए, और वो थर्मोमीटर हमारा ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। ये अभी ध्रुव तुमने ज्वाइन किया है, ये मैंने इतना लिखा दिया, इसको नोट करो, मैसेज देखा करो। मैं सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, मैसेज भी कर चुका हूँ, लेकिन तुमने अभी मैंने कॉल किया तब जाके ज्वाइन किया। ये नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लो सबसे पहले, तो नोट मत करो स्क्रीनशॉट लो। एरर बताया मैंने, इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। एरर
ये फॉर्मूला हो गया ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, और ऑन द बेसिस ऑफ कॉज ऑफ एरर्स, एरर आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप में, एक है आपका सिस्टमेटिक और दूसरा रैंडम। सिस्टमेटिक को रेगुलर कहते हैं और रैंडम को इररेगुलर कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखिए सिस्टमेटिक का पहले एग्जांपल समझो, लिखेंगे हम सब, पहले बातों को समझो, समझ लोगे तो लिख के बाद में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी पहले लिखा दूं फिर समझो, उससे पहले अच्छा है समझ लो। देखो थर्मामीटर मार्केट से लाते हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 98.6, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 98.6 होता है, ठीक है, पता होगा ये क्या 98.6 क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं फारेनहाइट। डिग्री सेंटीग्रेड में तो आदमी जल जाएगा, मर जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल जाएगा, तो ये 98.6 जो होता है वो फारेनहाइट में होता है, और वैसे सेंटीग्रेड में 37, और 40 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हो जाए ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, आदमी बिल्कुल बुखार से तपने लगेगा बुरी तरह से। खैर मैं कह रहा था 98.6 है, अब आप मार्केट से थर्मोमीटर लेके आए हो, वो थर्मोमीटर 98.6 दिखाता ही नहीं है, कितना दिखाता है 98। अगर आप स्वस्थ हैं, बीमार नहीं है, बुखार नहीं है आपको, आपने मार्केट से लाए, खोला एक्साइटेशन में और चेक किया कि चलो मैं अपना टेम्परेचर चेक करता हूँ, मुंह में लगाया, और मुंह में लगाने के बाद आपका टेम्परेचर आया 98, आपने कहा कि यार हमने तो ऐसा पढ़ा था, सन्ने बताया था 98.6, ये तो 98 बता रहा है। फिर आपने घर में मम्मी का पापा का सबका चेक कर डाला और सब स्वस्थ हैं, एकदम बढ़िया मस्त हैं, कोई परेशानी नहीं है, तो सबका बॉडी का टेम्परेचर 98 आ रहा है। अब सुनना मेरी बात को, अब इसका मतलब ये थोड़ी कि हमने जो बताया वो गलत बताया, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता 98.6 ही है, पर वो थर्मोमीटर 98 रीड कर रहा है, यानी कम रीड कर रहा है। इस तरह की जो एरर होती है सिस्टमेटिक है। अब उस थर्मोमीटर को आपके अड़ोस पड़ोस में कोई भी अगर स्वस्थ आदमी इस्तेमाल करे तो उसके बॉडी का टेम्परेचर वो 98 ही बताएगा, अगर हेल्दी है तो, मतलब कोई बीमारी नहीं है तो 0.6 कम बताएगा हमेशा। इस तरह की एरर जो होती है वो सिस्टमेटिक की कैटेगरी में आती है, यानी कि वो हमेशा आएंगी, रेगुलर, रेगुलर वर्ड यूज किया ना रेगुलर, और नीचे यूज किया इररेगुलर, कभी आ सकती कभी नहीं आ सकती, कम कम आ सकती है, ज्यादा आ सकती है, लेकिन रेगुलर में मैग्नीट्यूड एरर का और उसका साइन फिक्स होता है। मैग्नीट्यूड यानी कि 0.6 कम रीड कर रहा है, 0.6 कम रीड कर रहा है थर्मोमीटर, तो रेगुलर हो गई और हमेशा करेगा। या तो आप दूसरा थर्मोमीटर बदल के ले आओ मार्केट से, या फिर उसी को इस्तेमाल करो। आपने सोचा कंजूसी करके, बोले 150 रुपये यार खर्च होंगे थर्मोमीटर में, लाऊंगा डिजिटल वाला, और ये आजकल चाइनीज आते हैं, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग है तो ट्रस्ट करने लगे, एक काम करो 0.6 ही तो कम रीड कर रहा है, नेक्स्ट टाइम कभी कोई रीडिंग लेंगे 0.6 उसमें बढ़ा लेंगे। तो सिस्टमेटिक एरर हमेशा आएंगी, अगर इंस्ट्रूमेंट में एरर है तो वो आएगी, और हमेशा कम आ रही है तो कम ही आएगी, और ज़्यादा आ रही है तो ज़्यादा ही आएगी। जैसे अब एक दूसरा थर्मोमीटर लाए, वो आपका 99 बताता था, मान लो 0.4 ज़्यादा, तो वो 0.4 ऊपर बता रहा है, तो उसको कहते हैं पॉजिटिव एरर, और जो नीचे बताएगा उसको बोलेंगे फिर नेगेटिव एरर, तो साइन फिक्स हो गया। अब जैसे आपके घर में जो थर्मोमीटर आप लाए थे वो 98 अगर रीड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमेशा 0.6 कम रीड करेगा, यानी इसका साइन फिक्स हो गया, हमेशा कम ही बताएगा। अब मान लो आपको बुखार आ गया, सपोज करिए, दुआ करूंगा कभी आप बीमार ना हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लेकिन मान लेते हैं एक एग्जांपल है कि बुखार आ गया सपोज करिए, और आपने थर्मोमीटर मुंह में लगाया और थर्मोमीटर ने टेम्परेचर जो शो किया 102 शो किया, 102। अब आपने पता था, आपको पता था, मम्मी ने कहा कि 102 दिखा रहा है, लेकिन 0.6 तो वैसे ही कम रीड करता है, तो फिर वहाँ मम्मी क्या बताएंगी आपका टेम्परेचर, पापा को बताया, फोन करके ऑफिस गए हुए थे पापा कि इसको बुखार है 102.6, पापा ने पूछा थर्मोमीटर कितना दिखा रहा था, उसमें 102.6 दिखा रहा है, पापा को भी पता था, तो उसमें 6 और ऐड कर लो। फिर मम्मी ने कहा कि 0.6 ऐड करके ही बताया मैंने आपको, क्योंकि ये कम रीड करता है, ये नहीं कि 103.2 है, मम्मी ने पहले ही उसमें 102 दिखा रहा था, 0.6 ऐड करके ही पापा को बताया। पापा ने सोचा कि शायद मम्मा भूल गई होंगी, तो कहा कि उसमें 0.6 और ऐड कर लो, फिर तो ये टेम्परेचर 103 हो गया, ऊपर हो गया उससे, लेकिन मम्मा ने कहा कि मैंने पहले ही ऐड कर लिया है, ठीक है, मेरी बात समझ में आई हो। तो सिस्टमेटिक एरर जो होती है ये क्योरेबल होती है, यानी इनका, इनको करेक्ट किया जा सकता है। कैसे, हमें पता है कि हर बार ये 0.6 अगर कम रीड करेगा तो हम क्या करेंगे, हर बार 0.6 ऐड कर लिया करेंगे। तो इस तरह की एरर जो आती है वो इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ होने की वजह से होती है, और भी कारण होते हैं, लेकिन एक ये भी कारण है, इसे इंस्ट्रूमेंटल एरर की कैटेगरी में डालेंगे, बताऊंगा अभी आगे, सुनते जाओ। 102.6, बात समझ में आई कुछ। अब आपके पड़ोस में कोई बीमार हो गया, पड़ोस में जो था उनके घर में थर्मोमीटर था, वो कहीं मिल नहीं रहा था, कहीं खो गया या जो भी हुआ, तो पड़ोस वाली आंटी आई आपके घर में, शर्मा आंटी थी, वो आई आपके पास, और वो आपकी मम्मी से बोली कि बहन जी
भाभी जी जो भी बोला कि वो थर्मोमीटर जो है हमारा खराब हो गया है, आप अपना वाला थर्मोमीटर दे दिए, बेटे को बुखार आ गया है। तो आपकी मम्मी ने थर्मोमीटर निकाल के दिया, निकालने के साथ मम्मी इंस्ट्रक्शन जरूर देंगी कैसे कि बहन जी ये हमारा थर्मोमीटर 0.6 कम रीड करता है, तो जो टेम्परेचर आए ना आप उसमें 0.6 ऐड कर लेना। कि अच्छा, उन्होंने पूछा ऐसा क्या कि अरे ये चाइनीज वो है थर्मोमीटर है सही रीडिंग नहीं देता, तो फिर आपने नया क्यों नहीं बदला क्यों नहीं? कि अरे अब क्या हमने सोचा कि 0.6 कम ही रीड करता है, तो जब भी रीड करेंगे उसमें 0.6 ऐड कर लेंगे। आपकी मम्मी भी फिजिक्स पढ़ी हुई थी, बीएससी एमएससी फिजिक्स से कर रखी है, साइंस की स्टूडेंट थी। उन्होंने पड़ोस वाली आंटी को बताया कि एक्चुअली क्या है इसमें सिस्टमेटिक एरर है, रेगुलर एरर है। तो पड़ोस वाली आंटी कॉमर्स से पास आउट थी, एम कॉम कर रखा था, वो समझ नहीं पाई, बोले ये क्या होता है। तो मम्मा ने कहा कोई कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, आप ले जाइए इसको, आपको क्या उनको क्या समझाएंगे सिस्टमेटिक रेंडम एरर। या आपने जाके बोल दिया सिस्टमेटिक रेंडम एरर है आंटी इसमें, बोले बेटा ये क्या होता है, मम्मी को भी नहीं पता था, पड़ोस की आंटी को नहीं, दोनों कॉमर्स ग्रेजुएट थी, पोस्ट ग्रेजुएट थी, मान लो। बोले ये क्या होता है कि आंटी वो होता है, तो तुम्हारी मम्मी ने बोला अरे बेटा तू काहे को फालतू की बातें कर रहा है, आंटी को मत समझा, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है सिस्टमेटिक क्या बोलता रहता है। बहन जी ऐसा ही 0.6 कंप्लीट करता है, आप एक काम करना 0.6 ऐड कर लें, सिंपल सी भाषा में समझो। मेरी बात समझ में आ गई हो? कहानी बता रहा हूँ मैं आपको ऐसे बना के इंटरेस्ट बनाने के लिए, लेकिन मेरी बात समझ में आई। सिस्टमेटिक एरर हमेशा कम कम या तो आएंगी या फिर वो ज्यादा ज्यादा आएंगी। अब जो थर्मामीटर आपके पास है वो कम कम ही दे रहा है, तो जिंदगी भर कम कम ही देगा। जब पता है तो हर बार क्या करोगे, उसे करेक्ट कर लोगे। तो सिस्टमेटिक एरर के कारण हमें पता होते हैं। इसमें कारण क्या था? थर्मोमीटर खराब वाला था, इंस्ट्रूमेंटल एरर। तीन वजह से आती है सिस्टमेटिक एरर, बताऊंगा अभी आगे। तीन वजह से आती है, उनमें से एक वजह है इंस्ट्रूमेंट खराब होना, ठीक है? तो वो हमेशा रीडिंग खराब ही देता रहेगा, या तो उसे रिप्लेस कर दो नहीं तो अपना एडजस्टमेंट कर लो। और रेगुलर सिस्टमेटिक इसलिए बोलते हैं, हर बार आएगी और एक फिक्स्ड साइन होगा, यानी कि एरर का मैग्नीट्यूड भी फिक्स है 0.6, और साइन का क्या है कि कम आ रही है, रीडिंग कम आ रही है। रैंडम में क्या होता है कि हमें साइन नहीं पता होता, आज हो सकता है ज्यादा दिया और कल कुछ और दिया, परसों कुछ और दिया, तो न तो मैग्नीट्यूड फिक्स होगा ना साइन फिक्स होगा, कभी ज्यादा बता देता है कभी कम बता देता है, वैल्यू फ्लक्चुएट कर जाती है उसकी। ऐसी एरर जो होती है उनको क्योर नहीं कर सकते, उनका इलाज नहीं कर सकते। तो ऐसी रैंडम जो होती हैं, क्योंकि इनके ना तो मैग्नीट्यूड फिक्स होता है, जैसे आज मान लो सपोज करो थर्मोमीटर में ऐसा नहीं होगा, और दूसरी तरह की डिवाइस होती है उनमें क्या है कि आज आपने रीडिंग रिकॉर्ड करी, तो आज को जो रिकॉर्ड कर रहा था वो 0.6 कम रिकॉर्ड कर रहा था, कल रिकॉर्ड किया तो 0.4 ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया, तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया और साइन भी चेंज हो गया। बात आई हो समझ में आपको? ठीक है, तो इस तरह की जो एरर होती हैं ये दूर नहीं की जा सकती इनको, लेकिन कम किया जा सकता है। वो कैसे कम करते हैं वो आगे मैं लिखाऊंगा। चलिए आगे लिखते हैं, इसके आगे एक एक करके इनको लिखते हैं। अब मेरी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। तो पहला आप लिखेंगे, ये तो हो गए टाइप्स, अब इनको लिखना शुरू करते हैं। सिस्टमेटिक एरर, या फिर रेगुलर, तो लिखिए कॉज ऑफ दीज एरर। देखिए रैंडम का कारण नहीं पता होता, लेकिन इनका कारण हमें पता होता है, तो आप लिखेंगे कॉज ऑफ दीज एरर, कॉज ऑफ दीज एरर्स इज ऑलवेज नोन टू अस, हमें पता होता है, ऑलवेज नोन टू अस एंड एंड हियर मैग्नीट्यूड एंड साइन इज ऑलवेज फिक्स्ड। मैग्नीट्यूड और साइन फिक्स हो गया, कम बताएगा तो कम ही बताएगा। दीज एरर्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, आगे लिखेंगे एज कॉज ऑफ दीज एरर्स आर known to us
cause of these errors are known to us, therefore these errors can be removed, or minimized. ठीक है, कैन बी रिमूव्ड और मिनिमाइज्ड. सम ऑफ द टाइप्स ऑफ दीज एरर्स आर, इसके कुछ टाइप होते हैं सिस्टमेटिक के ही, कुछ टाइप होते हैं. जैसे पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो मैं अभी आपको बता रहा था. इंस्ट्रूमेंटल एरर एराइज ड्यू टू फॉल्टी, खराब इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है. एराइज ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ही खराब है तो क्या करोगे, या तो इंस्ट्रूमेंट को बदल दो, और बदल नहीं सकते तो फिर आपको जैसे थर्मोमीटर था पता है कि 0.6 कम देगा, तो आगे अगली बार क्या करेंगे, हर बार 0.6 ऐड कर लेंगे. दूसरा जो कारण होता है इस तरह की एरर का, वो इम्परफेक्ट टेक्निक होती है. या एक काम करेंगे हम, थोड़ा सा इसमें ये जो लाइन है ना, इस लाइन को थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे. दीज एरर्स, काट लेना कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी जगह निकालनी है. दीज एरर्स अराइज, ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस. दीज Error arise due to following reason. Instrumental error arise due to faulty instrument. ऐसे लिखिए. ये है दूसरा imperfect technique. Imperfect technique में क्या है, जैसे आप कोई instrument लाते हैं, जैसे मान लो मोबाइल खरीद के लाते हैं आप, तो मोबाइल के साथ क्या आता है, एक instruction manual आता है कि नहीं आता है, कैसे इसे इस्तेमाल करना है, यूज कैसे करना है, कोई चीज समझ में नहीं आती. या आप घर में एसी लाते हैं तो एसी के साथ में इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है, उसमें रिमोट होता है, रिमोट के फंक्शंस कैसे काम करते हैं वो लिखा होता है ना. जैसे आपने पहली बार एसी घर में लगवाया तो नहीं पता होता, तो आप उसके बटन्स को चेक करते हैं, टाइमर लिखा होता है, स्लीप मोड होता है, मोड होते हैं डिफरेंट, ऑटो फैन का मोड होता है, कूल का मोड होता है, पावर मोड होता है. ठीक है, फिर उसमें एक टाइमर होता है, एक स्लीप टाइमर होता है. अब आपको पता है कि टाइमर का कैसे यूज करना है, कैसे उस टाइमर को सेट करना है कि एक घंटे बाद एसी अपने आप बंद हो जाए, फिर जैसे ही टेम्परेचर नीचे जाए ऑटोमेटिक फिर वो चालू हो जाए 15-20 मिनट या आधा घंटे में. इसमें आपका क्या पावर सेव होती है, लेकिन आपको यूज करना नहीं आ रहा तो फिर क्या करोगे, आप उसका मैनुअल निकालोगे, मैनुअल को पढ़ोगे और पता लग जाएगा अच्छा ऐसे ऐसे करना. जैसे अभी ये प्रॉब्लम आई, साउंड नहीं आ रही थी. मैंने देखा, मैंने जैसे क्लास ऑन करी तो मैंने पुराना एक वीडियो चला के देखा कि सुबह की क्लास में एक बच्चे ने कहा था आवाज़ नहीं आ रही, हालांकि वो टेम्प्रेरी इश्यू था, आवाज़ तो मेरी प्रॉपर जा रही थी. तो मैंने कहा आपकी क्लास शुरू हो उससे पहले मैंने आवाज़ चेक करके वीडियो चलाया, देखा तो वीडियो ही नहीं, आवाज़ ही नहीं आ रही, पता नहीं, मैं परेशान हो गया. आपको मैंने मैसेज किया. अब उसके बाद मैंने कहा कि मैं ठीक है, आई विल ट्राई टू फिक्स इट एंड आई विल गेट बैक टू यू, इन्फॉर्म करूंगा. तो मैंने क्या किया, तुरंत उस पर सर्च किया कि हाउ टू फिक्स द ऑडियो प्रॉब्लम, तो उसमें लिखा गया ऑप्शन, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपसे 5 मिनट कहा ना आई विल इन्फॉर्म यू, तो उसमें आ गया कि आप इसको रीस्टार कर, मैंने विंडो 10 है मेरे इसमें, तो उसने लिखा आया कि विंडो 10 में कभी कभी प्रॉब्लम आती है कि आप इसको अपडेट करते हैं तो अपडेट के बाद कई बार साउंड नहीं आती, तो आप उसको रीस्टार्ट कर लो. मैंने कुछ नहीं किया, बस रीस्टार्ट किया, साउंड आ गई, एंड इट्स डन, वोइला हो गया, इतने से हो गया. और मैं बड़ा टेंशन में आ गया, मैंने कहा यार पता नहीं क्लास डिस्टर्ब हो गई बच्चों की बेकार में, तो अगली बार के लिए मुझे पता लग गया कि नहीं पता लग गया, नेक्स्ट टाइम अगर यही ऑडियो की प्रॉब्लम आएगी तो मैं क्या करूँगा, उसको रीस्टार्ट करूँगा सिस्टम को. अभी मैं परेशान हो रहा था फर्स्ट टाइम. तो ऐसी इम्परफेक्ट टेक्निक है, एक बार आपको टाइमर सेट करना आ गया एसी का, तो फिर नेक्स्ट टाइम तो कर ही लोगे, आप नेक्स्ट टाइम कर लोगे. कल मैंने जैसे फेसबुक पे अपना एक, कल नहीं परसों एक ऐड बनाया, खुद से ही ऐड बनाया,
मुझे नहीं आ रहा था, तो मैंने एक एडिट वो करने का एक वो ऐप डाउनलोड किया, और कैनवा पता नहीं कौन सा था, उसमें थोड़ी देर टाइम लगा, मैंने उसके इंस्ट्रक्शन पढ़े हेल्प वगैरह में, ऐसे ऐसे करना होता है, समझ में आ गया, मैंने कर डाला, एक बना के डाल दिया पोस्ट। इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ते हैं, तो इम्परफेक्ट टेक्निक का मतलब आपने सही से टेक्निक इस्तेमाल नहीं करी, कैसे उसको यूज करना है, तो वो क्या है, सही परफॉर्मेंस नहीं आएगी, सही रिजल्ट नहीं आएगा, सही कैसे काम नहीं करेगा। जैसे टाइमर सेट किया लेकिन टाइमर आपसे सेट ही नहीं हुआ, तो क्या होगा, टाइमर सेट नहीं हो पाएगा, एसी जैसे आप काम करवाना चाह रहे हैं वैसे काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें तीसरा कारण है, तीन ही मेन कारण है इसमें, वो है ड्यू टू केयरलेसनेस। केयरलेसनेस केयरलेसनेस ठीक है। जैसे अब इम्परफेक्ट टेक्निक में थर्मोमीटर का ही एग्जांपल ले लें, तो आपने देखा होगा थर्मोमीटर से जब टेम्परेचर लेते हैं, तो टेम्परेचर लेने के कई जगह होती हैं, जैसे जीभ के नीचे भी, आर्म पिट में भी रखते हैं, ठीक है। अब छोटे बच्चे हैं उनके जीभ के नीचे नहीं रखते, चबा जाए मालूम पड़ा दांत निकल लेते, खा गया वो उसको, और अगर वो पुराना वाला जो मरकरी वाला हुआ वो तो बहुत ही डेंजरस होता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं उनकी आर्म पिट में लगाते हैं, ठीक है, आर्म पिट में। तो अब आपको पता ही नहीं, लेकिन जो जीभ के नीचे का टेम्परेचर आएगा, आर्म पिट का टेम्परेचर आएगा, उसमें करीब करीब आधा डिग्री एक डिग्री का डिफरेंस आ जाता है, आपको पता ही नहीं था। दूसरा, अब ये तीसरा जो कारण है, तो ये टेक्निक पता होनी चाहिए ना कि हमारा ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर बॉडी के हर पार्ट का सेम नहीं होता, थोड़ा फर्क आता है, ठीक है। तो अब इसमें ड्यू टू केयरलेसनेस तीसरा पॉइंट देखो, आपने थर्मोमीटर को लगाया लेकिन जीभ के नीचे नहीं लगाया, वो हवा में ही रह गया, दांतों में होठों के बीच में दबा लिया, छोटा बच्चा था उसको पता नहीं था, आपने खूब समझाया लेकिन बच्चे ने क्या किया, ठीक से उसको लगाया नहीं, ड्यू टू केयरलेसनेस। तो ये तो लापरवाही होगी, तो बॉडी का टेम्परेचर सही मिलेगा, बुखार था आ रहा था 102 और आप बच्चे के जीभ के नीचे लगाए, उसने शरारत करके जीभ के ऊपर ले लिया, तो बुखार रीड तो हुआ 100 डिग्री बताया लेकिन 102 नहीं बताया, ड्यू टू केयरलेसनेस, ड्यू टू केयरलेसनेस, ठीक है। एरर एरर्स अराइजिंग अराइजिंग ये बात लिख लेना आप, ड्यू टू केयरलेसनेस आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रॉस एरर, ग्रॉस एरर्स, एरर्स अराइजिंग ड्यू टू केयरलेसनेस आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रॉस एरर। लापरवाही से रीडिंग ले रहे हैं, या आप मान लीजिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन आपने कुछ करी और उस कैलकुलेशन में वैल्यू को सही से नहीं रखा, डेसिमल था डेसिमल को सही से लगाया नहीं, उस पर कैलकुलेट कर रहे थे, तो लापरवाही की वजह से ये एरर आती है। इस तरह की एरर को ग्रॉस एरर भी कहते हैं, और वो लापरवाही कई तरह की हो सकती है, ऑब्जर्वेशन सही से नहीं किया, आपने देखा ही नहीं सही से उसको, रीडिंग क्या आ रही थी। इसका एक एग्जाम्पल है, एंड वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सच एरर इज पैरलेक्स एरर। पैरलेक्स एरर है, PARALLAX, पैरलेक्स, ये हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के लास्ट में, एक मेथड बताऊंगा, पैरलेक्स मेथड है, उस मेथड को हम आगे पढ़ेंगे पैरलेक्स मेथड, ठीक है, आगे आएगा, बताऊंगा आगे मैं आपको पैरलेक्स मेथड के बारे में बताऊंगा, ठीक है, पैरलेक्स मेथड के बारे में आगे मैं बताऊंगा आपको इस चैप्टर के बिल्कुल अंत में, बिल्कुल लास्ट में पैरलेक्स मेथड आएगा, ठीक है। तो देखिए सिस्टमैटिक एरर, और आप ये नोट कर रहे होंगे, सिस्टमैटिक एरर का कारण हमें पता होता है, और इनका मैग्नीट्यूड और साइन ये यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, अगर आपको दिख रहा हो, इज ऑलवेज फिक्स्ड, दीज कैन बी पॉजिटिव या नेगेटिव, या तो पॉजिटिव होती है या फिर नेगेटिव ही होंगी, ठीक है। कॉज ऑफ दीज एरर इज नोन टू अस, देयरफॉर कैन बी रिमूव्ड और मिनिमाइज्ड। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसके मेन तीन कारण होते हैं, ये सामने आपकी स्क्रीन पे, पहला, दूसरा और तीसरा। इंस्ट्रूमेंटल एरर, तो इंस्ट्रूमेंट को बदल दिया जाए, या इम्परफेक्ट टेक्निक, आपने मैनुअल को, उसका जो यूजर मैनुअल है उसको ध्यान से नहीं पढ़ा और आपने ठीक से इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है।
ठीक है, तो वो गड़बड़ कर रहा है। इसी तरह से इसमें तीसरा है ड्यू टू केयरलेसनेस, केयरलेसनेस की वजह से जो एरर आती है उनको ग्रॉस एरर कहते हैं, और इसका एक एग्जांपल है पैरेलेक्स एरर। ग्रॉस एरर तो एक जनरल नाम हो गया, जनरल नाम हो गया ग्रॉस एरर, ठीक है, और इसका एक एग्जांपल है पैरेलेक्स एरर, जो हम पैरेलेक्स मेथड होता है वहां समझेंगे कि क्या होता है ये पैरेलेक्स मेथड। अगर हम किसी चीज को दो अलग अलग पॉइंट से देखते हैं, किसी चीज को दो अलग अलग पॉइंट से देखते हैं तो उसकी लोकेशन हमको राइट या लेफ्ट में शिफ्ट होती हुई दिखाई देती है, राइट या लेफ्ट में, ये जो शिफ्टिंग होती है इसी शिफ्टिंग को पैरेलेक्स कहते हैं। फिर से सुन लो, एक कोई पॉइंट है या सामने कोई पिलर है, उस पिलर को और उसके सामने, पिलर के सामने आपकी तरफ एक मान लो पेड़ खड़ा हुआ है, ठीक है, पेड़ खड़ा हुआ है, तो अब आप उसके पेड़ के सामने खड़े हुए हैं और राइट में थोड़ा शिफ्ट होके देखते हैं, फिर लेफ्ट में शिफ्ट होके देखते हैं, ठीक है, राइट में शिफ्ट होते हैं और लेफ्ट में शिफ्ट होते हैं, तो आपको वो पेड़ की जो लोकेशन, पिलर की सॉरी लोकेशन है, पेड़ के रेस्पेक्ट में, ट्री के रेस्पेक्ट में राइट या लेफ्ट में खिसकती हुई दिखाई देगी, खिसकती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो ये जो शिफ्टिंग होती है इसी को पैरेलेक्स कहते हैं। अगर आप चाहें करना तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, करोगे? ठीक है, आज का क्लास का टाइम मुझे यहीं एंड अप करना पड़ेगा, 2 मिनट और लूंगा आपके। उसका कारण ये है कि कई बच्चों की क्लास अभी तक टाइम है 5-7 मिनट का टाइम है, लेकिन कई बच्चों की 12 बजे से क्लास होती है दूसरे टीचर के यहाँ। आज जो टाइम खराब हुआ है कोई दिक्कत नहीं, उसको मैं कंपनसेट कर दूंगा, आप इसके लिए कभी कहना मत, आपको जितना उम्मीद से ज्यादा मैं पढ़ाऊंगा। तो आप कभी ये चवन्नी अठन्नी का हिसाब मत करना, क्योंकि चवन्नी अठन्नी का हिसाब करोगे तो फिर मैं भी उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा, और अगर आप हिसाब नहीं करोगे तो मैं जहाँ चवन्नी का आपका लॉस हुआ है वहाँ आपको 2 रुपये का फायदा भी कराऊंगा। क्लास के लिए कभी मैं सोचता नहीं हूँ कि मैं इतने घंटे पढ़ा रहा हूँ उतने घंटे पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं ट्वेल्थ में या ट्वेल्थ पास है वो जानते हैं मैं बहुत मेहनत करता हूँ और कभी घड़ी नहीं देखता पढ़ाते समय। मेरा आपसे बात कोर्स की होती है, तो कभी ये सोचना भी मत, ऐसा थॉट भी मत लाना मन में, ये चवन्नी अठन्नी का हिसाब मत करना। जब काम हमें बड़े बड़े करने हैं तो कभी इसकी तरफ सोचना मत कि क्लास का लॉस हो गया, ये हो गया, वो जिम्मेदारी मेरी है यार। जब तुम मुझसे जुड़े हो, कोर्स मैं कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा, तभी इससे पढ़ाऊंगा, मन से पढ़ाऊंगा। उसमें टाइम हो सकता है कभी मैं 2 घंटे पढ़ाऊंगा, कभी और ज्यादा भी पढ़ाऊंगा, कभी हो सकता है संडे को भी क्लास लगाऊं। मैं जब हिसाब नहीं रखूंगा तो आपको भी ये सोचने की जरूरत नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है, आपका कोर्स कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा, क्यों परेशान होते हैं, अभी तो शुरुआत है, ठीक है। तो ऐसी चीजों को कभी मन में लाना मत कि 15 मिनट हमारा नुकसान हो गया, होता हो जाएगा मान लो कभी, तो फिर करेंगे कंपनसेट यार, ऐसी क्या बात है, जरूरत पड़ेगी संडे को क्लास लगा लेंगे, ठीक है। और अभी मेरा क्रैश कोर्स खत्म हो रहा है इस हफ्ते शाम का बैच, तो शाम को भी हमारे पास टाइम हुआ करेगा, तो कभी ऐसा होगा तो शाम को भी क्लास रख लिया करेंगे, कभी अगर ऐसा हो जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो देखिए एक छोटा सा काम करना है मेरे साथ, अभी मैं क्या कह रहा हूँ, एक कॉपी लो सभी बच्चे और अपना स्पीकर ऑन करो, अनम्यूट कर लो अपने आप को, सभी बच्चे अनम्यूट कर लो अपने आप को, ठीक है। और मैं जो कह रहा हूँ वो काम करना है आपको, आवाज नहीं आनी चाहिए, बस मैं जो कह रहा हूँ वो काम करना है आपको। बैकग्राउंड साउंड को एकदम रिड्यूस कर दो, आपके घर में जो साउंड आ रही है वो नहीं आनी चाहिए। अब क्या करना है, एक कॉपी लो और एक पेन, कॉपी पेन तो आपके पास होगा ही, नोट कर रहे होंगे। आपको क्या करना है, कॉपी पे आवाज आ रही है, आप अपने आप को म्यूट करो, जब जरूरत हो तब बोलना, आवाज आ रही है पीछे से आपके घर में से। देखिए कॉपी पे एक पॉइंट बना लो, स्क्रीन पे देखो मैंने एक पॉइंट बनाया है, छोटा सा पॉइंट बनाना है, बहुत बड़ा नहीं बनाना, ये मैंने काफी बड़ा बना दिया, आपको बड़ा नहीं बनाना, आपको छोटा सा पॉइंट बनाना है, बिल्कुल जरा सा बना लिया। अब क्या करिए, अपने पेन की टिप उसके ऊपर लाइए, पेन की टिप उसके ऊपर लाइए और आपकी नाक उसके ऊपर होनी चाहिए, यानी आंखें दोनों उसके साइड में, और उस टिप को कोशिश करो उसके ऊपर लाके उसको ढकने की। अब आपको क्या करना है, जो मैं बोल रहा हूँ वैसे करना है, पैरेलेक्स एरर समझाने का यही बेस्ट तरीका होता है। अब आप करिए, अपने एक हाथ से अपनी लेफ्ट वाली आई को बंद करिए, पॉइंट इतना छोटा होना चाहिए कि पेन की टिप के नीचे दब जाए, अगर ज्यादा बड़ा बना लिया है तो छोटा बना लो दोबारा से, क्या करो बड़ा बना लिया तो छोटा बना लो, और वो टिप बिल्कुल ऊपर रखनी है, बिल्कुल उसके ऊपर रखनी है, ऐसी रखो कि दिखाई देना बंद हो जाए। अब आपको क्या करना है, अपनी लेफ्ट आई को बंद करो
और आप मैंने क्या बोला देखो दोबारा सुनो मेरी बात को, पॉइंट बनाया, पॉइंट के ऊपर पेन की टिप, पेन को हॉरिजॉन्टल रखो, हॉरिजॉन्टल पेन को हॉरिजॉन्टल करके उसकी टिप उसके ऊपर आनी चाहिए, जस्ट ऊपर आनी चाहिए, एक उंगली का फासला हो बस इतना ऊपर, और आपकी नाक पेन के ऊपर आनी चाहिए, यानी आपकी दोनों आंखें साइड में राइट और लेफ्ट में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक आंख को बंद करो, राइट लेफ्ट वाली को बंद करो, अगर राइट वाली को बंद करोगे तो पेन की टिप के, अरे भैया ये फूंक फूंक मारना बंद करोगे, म्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट तो मैंने इसलिए करवाया था कि आपको कुछ पूछना हो तो हमसे बोल सकते हैं, जब बोलना हो तब तो अनम्यूट कर लेना। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अपनी लेफ्ट वाली आई को यहां से बंद करो, तुम करते रहो ऐसे तो बदतमीजी है ये तो सरासर। पेन की जो टिप है वो पॉइंट के ठीक ऊपर रखो, इस तरह से कि पॉइंट ढक जाए, आपकी नाक उसके ऊपर होनी चाहिए, यानी कि आपको आपको दोनों साइड से पॉइंट लेफ्ट से राइट से दिख रहा हो। अब क्या करना है, बारी बारी से एक बार लेफ्ट आई को बंद करो, लेफ्ट आई को जब बंद करोगे तो आपने आप देखोगे कि पॉइंट आपको दिखने लगा होगा, टिप के राइट में दिख रहा होगा, टिप के राइट में दिख रहा होगा। अब यही काम क्या करना है आपको, यही काम अब करना है कि लेफ्ट वाली आई को खुला रखो, राइट वाली को बंद कर लो, हाथ से बंद करो, हाथ से राइट वाली को, राइट वाली को बंद करोगे तो टिप के लेफ्ट में आपको पॉइंट दिख रहा होगा, लेफ्ट आई से लेफ्ट में दिख रहा होगा, टिप के लेफ्ट में पॉइंट दिख रहा होगा लेफ्ट आई से, ठीक है। जब राइट आई बंद करके लेफ्ट से देखोगे तो टिप के लेफ्ट में पॉइंट नजर आ रहा होगा, और जब लेफ्ट आई को बंद करोगे तो टिप के राइट में नजर आएगा राइट आई से, ठीक है। ये जो शिफ्टिंग हो रही है, यानी टिप के रेस्पेक्ट में लेफ्ट में दिखाई दे रहा था पहले, फिर राइट में दिखाई देने लगा, तो ये शिफ्टिंग हुई कि नहीं, पॉइंट अपनी जगह पर है लेकिन अपेरेंटली आपको उसकी लोकेशन चेंज होती हुई दिखाई दे रही है कि नहीं। पेन की टिप, मैंने बोला था पेन को हॉरिजॉन्टल रखना है, और हॉरिजॉन्टल रख के टिप को पॉइंट के ठीक ऊपर ले आना है, जस्ट ऊपर एक उंगली का फासला रख के, जस्ट ऊपर हॉरिजॉन्टल कर लो, खड़ा नहीं रखना है पेन को, हॉरिजॉन्टल रखना है, और अपने चेहरे को अपनी नाक को उसके ऊपर ले आओ बिल्कुल पॉइंट के ऊपर। अब वो पॉइंट आपको दिख नहीं रहा होगा, अब बारी बारी से, लेकिन जब आप राइट आई से देखोगे, राइट आई से लेफ्ट को बंद करके, तो पॉइंट टिप के राइट में दिखाई देगा, पॉइंट टिप के राइट में, और जब आप लेफ्ट आई से देखोगे राइट को बंद करके, राइट को बंद करके, तो टिप के लेफ्ट में दिखाई देगा लेफ्ट आई से। ये जो अपेरेंट पोजीशन में शिफ्ट हो रहा है लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में, इस शिफ्टिंग को पैरलैक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? पैरलैक्स। बात समझ में आई कुछ? और नहीं समझ में आया है तो आज फिर घर पे जाके करना इसी चीज को, क्योंकि आगे जो पैरलैक्स मेथड है ना, वो पैरलैक्स मेथड पैरलैक्स पर ही बेस्ड है, पैरलैक्स पर ही बेस्ड है, ठीक है। इसी काम को, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है ये, कराया जाता है जब आपको ये पैरलैक्स मेथड बताया जाता है तो ये सब चीजें कराई जाती हैं, ये जो मैंने कराया अभी आपको, ऐसा नहीं कि कोई टाइम पास के लिए कर रहा हूँ, पैरलैक्स को समझाने का इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं। या फिर क्या करो, बाहर कहीं खड़े हो और एक कोई पोल है मान लीजिए, उस पोल के सामने आपने अपने किसी फ्रेंड को खड़ा कर दिया, और या कोई खम्मा है, अब आपको वो दिखना बंद हो गया, फिर आप थोड़ा सा लेफ्ट में खिसक गए तो वो आपको पोल दिखना शुरू हो गया, और उसकी लोकेशन आपके फ्रेंड के रेस्पेक्ट में लेफ्ट में आएगी। अब फिर वो आप राइट में खिसक गए, राइट में फिर दिखना शुरू हो गया, और वो अब आपको अपने फ्रेंड के रेस्पेक्ट में राइट में दिखना शुरू हो जाएगा। ये जो शिफ्टिंग नजर आता है, होती है, इसी शिफ्टिंग को हम क्या बोलते हैं, इसी शिफ्टिंग को पैरलैक्स कहते हैं, और इसी पर बेस्ड होती है पैरलैक्स एरर, जो 12th क्लास में हम पढ़ेंगे लाइट में पैरलैक्स एरर के बारे में। उसका यूज होता है लेंस और मिरर की फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए, एक मेथड होता है जो 12th क्लास में आपको बोर्ड में एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, और क्वेश्चन आईआईटी में भी आए हैं इस पे टॉपिक पर, एक्सपेरिमेंट के ऊपर बोर्ड में भी आता है और प्रैक्टिकल कराया जाता है, और इस पे क्वेश्चन आईआईटी में और मेडिकल में आ चुके हैं। पैरलैक्स मेथड, यूवी मेथड बोलते हैं, यूवी, यू और वी,
वो क्या होता है ट्वेल्थ में समझेंगे, और पैरेलेक्स एरर भी हम वहाँ भी यूज करेंगे, यहाँ भी समझेंगे, और पैरेलेक्स मेथड मैं इस चैप्टर के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो अब हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है, आज जो आपका टाइम खराब हुआ उसको मैं कंपनसेट करूंगा। अब आप लिखेंगे दूसरा, बस हेडिंग डालेंगे सेकेंड जो टाइप है, एंड दैट इज वॉट रेंडम एरर। रैंडम एरर्स, ठीक है, रैंडम एरर्स, ठीक है। तो अब देखिए रैंडम एरर क्या है, रैंडम एरर कह लो या फिर इररेगुलर। इररेगुलर से समझ में आ गया ना, क्लास में कोई रेगुलर होता है इररेगुलर होता है, इसका मतलब कभी आते हो कभी नहीं आते हो। तो वैसे एरर कभी आती है कभी नहीं आती, कभी जल्दी आ जाती है कभी लेट आती है, मतलब क्लास में एंटर हो जाता है। ऐसे ये एरर कभी पॉजिटिव आती है कभी नेगेटिव आती है, ठीक है। इसका इस तरह की एरर कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी ज्यादा कभी कम, और इनका ना मैग्नीट्यूड भी फिक्स नहीं होता, इनका मैग्नीट्यूड भी फिक्स नहीं होता, ठीक है। एक सेकंड, कोई मैसेज किया है क्या आपने, तो आप इसको लिख सकते हैं कॉज ऑफ सच एरर्स, कॉज ऑफ आगे लिखेंगे कॉज ऑफ सच एरर्स, बस इसके साथ ही खत्म कर रहा हूं। सच एरर्स आर Not known to us. These errors neither has fixed magnitude nor fixed sign.